Hey guys, welcome to News T-Code. अडानी डिफेंस ने दो आर्म ड्रोन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑफर किया है। इसमें से पहला यूएवी है हर्मीज 450 और दूसरा यूएवी है हर्मीज 900। अगर बात करें हर्मीज 450 और हर्मीज 900 का, तो ये दोनों यूएवी बहुत ही पॉपुलर यूएवी है इसराइल के, जो कि आज के समय लगभग 12 कंट्रीज के साथ ऑपरेशनल है। और इसका हाल ही में अडानी एल्बिट अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद द्वारा लोकली इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इन यूएवीज को कंसीडर करना चाहिए। अगर बात करें हर्मीज 450 का, तो ये एक मल्टी रोल टैक्टिकल यूएवी है जो कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि इसराइल, यूके, ब्राजील, कोलंबिया, सिंगापुर और हमारे पड़ोसी थाईलैंड के पास भी ये यूएवीज मौजूद है। अगर इसके परफॉर्मेंस का बात करें, तो इसको एक वांकेल इंजन के द्वारा पावर किया जाता है जो कि 52 हॉर्स पावर का आउटपुट देता है। इसका टेक ऑफ वेट है 550 केजीज, मैक्सिमम पेलोड है 180 केजीज, इसका एंड्योरेंस है 17 आवर्स और सर्विस सीलिंग है 18,000 फीट। इसके अलावा इस यूएवी में ऑटोमेटिक फ्लाइट और साथ ही सैटकॉम भी मौजूद है। तो अगर बात करें हर्मीज 450 के ओवरऑल परफॉर्मेंस का, तो ये काफी हद तक इंडिया के स्वदेशी आर्चर प्रोग्राम से मैच होता है, जिसके साथ ऑलरेडी डमी पेलोड इंटीग्रेट किया जा चुका है और अगले साल से इसका एक्चुअल वेपन ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हर्मीज 450 कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि हर्मीज 450 के साथ जाने का मतलब इंडिजिनस आर्चर प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज करना, जो कि अपने डेवलपमेंट साइकिल के फाइनल फेज में पहुंच चुका है। और अगर बात करें हर्मीज 900 का, तो ये मेल क्लास का नेक्स्ट जनरेशन का यूएवी है, जो कि आज के समय लगभग 10 कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है। अगर हर्मीज 900 के कैपेबिलिटीज का बात करें, तो इसको रोटेक्स इंजन के द्वारा पावर किया जाता है जो कि 115 हॉर्स पावर का आउटपुट देता है। इसका टेक ऑफ वेट है 1200 केजीज और मैक्सिमम पेलोड है 350 केजी। और अगर एंड्योरेंस का बात करें, तो ये 36 आवर्स का एंड्योरेंस देता है और साथ ही 30,000 फीट तक का सर्विस सीलिंग देता है। और ये बहुत तरह के सेंसर्स को कैरी कर सकता है मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और साथ ही ये एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकता है। और अगर इसके वेपन्स का बात करें, तो इसके विंग पे 4 हार्ड पॉइंट्स है और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली एक इंटरनल बे भी मौजूद है। अगर इसके वेपन पैकेज का बात करें, तो पब्लिक डोमेन में इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसराइल जब भी किसी कस्टमर को डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है, तो वो उसका नाम या फिर जो पैकेज है उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं अधिकतर केसेस में। बट अगर इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को देखा जाए, तो ये आराम से 4 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर हेल फायर मिसाइल कैरी कर सकता है, या फिर 2 के नंबर में ये स्वदेशी 100 एंटी एयरफील्ड मिसाइल कैरी कर सकता है, या फिर ये 1 लेजर गाइडेड म्यूनिशन जैसे कि GBU और 2 के नंबर में प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी कर सकता है, जिसको DRDO और अडानी के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो अगर पॉसिबिलिटीज का बात करें, तो यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज मौजूद है। और अगर हर्मीज 900 के ओवरऑल परफॉर्मेंस का बात करें, तो ये काफी हद तक इंडिजिनस रुस्तम 2 प्रोग्राम से मैच होता है, जिसके 4 प्रोटोटाइप्स आज के समय यूजर ट्रायल्स में इन्वॉल्व है और ये भी अपने डेवलपमेंट साइकिल के फाइनल फेज में चल रहा है। और इसीलिए इंडिया के द्वारा हर्मीज 450 और हर्मीज 900 में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, जिसका ग्लोबल प्रोडक्शन फैसिलिटी इंडिया के अंदर साल 2018 से रेडी है। बट यहाँ पे डेफिनेटली हर्मीज 900 को एज अ स्टॉप गैप मेजर कंसीडर किया जा सकता है। और पास्ट में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा अमेरिका के MQ-9B ड्रोन्स में इंटरेस्ट दिखाया गया था, जिसका यूनिट प्राइस है $100 million और ये काफी एक्सपेंसिव यूएवी है। और अगर हर्मीज 900 के प्राइस का बात करें, तो इसका यूनिट प्राइस है लगभग 15 से 20 million dollars का, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हर्मीज 900 के आर्म्ड वेरिएंट को कंसीडर किया जा सकता है, जिनको इंडिया में ही अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें, क्या इंडिया को इस हर्मीज 900 के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।